नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महादेव की काशी में स्थित काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर नाथ मंदिर को तोड़कर बनाई जा रही। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर मूल वाद 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर किया गया था, जिसमें प्राचीन मंदिर के उस स्थान को जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है बहाल करने की मांग की गई थी। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही, जहां अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वाराणसी की अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वाराणसी की कोर्ट का ये आदेश क्या था, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर गुरुवार को क्या कुछ हुआ वो जान लीजिए। विवादित संपत्ति और वक्फ कानून की हुई बहस। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने वक्फ कानून का मुद्दा उठाते हुए दलील दी। जब 1995 का वक्फ कानून अस्तित्व में आया तो इस कानून में एक प्रावधान था कि वक्फ की संपत्ति को फिर से पंजीकृत कराया जाए, लेकिन विवादित संपत्ति को वक्फ कानून 1995 के तहत कभी दोबारा पंजीकृत नहीं कराया गया। इसीलिए विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है और इस कानून के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते। इस दलील के मुताबिक ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर वक्फ बोर्ड का कानून लागू नहीं होता। इससे पहले 12 अप्रैल को अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दलील दी थी कि भगवान विश्वेश्वर का ये मंदिर प्राचीन काल से अस्तित्व में रहा है और भगवान विवादित ढांचे के भीतर विराजमान। यदि किसी भी तरह से मंदिर नष्ट भी किया गया तो इसका धार्मिक चरित्र कभी नहीं बदला। वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने इस मामले की सुनवाई फिलहाल 10 मई तक के लिए टाल दी। साथ ही विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दी गई। क्या था वाराणसी की कोर्ट का आदेश? वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने पिछले साल 8 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर ये पता लगाने का निर्देश दिया था कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खड़ी मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को वाराणसी की कोर्ट के 8 अप्रैल 2021 वाले आदेश पर रोक लगा दी और ये रोक फिलहाल 31 मई तक बरकरार है।